हेलो दोस्तों, मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रेन यात्रा पर। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 02311 नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल के बारे में, जिस ट्रेन का पहले नाम था कालका मेल। जी हाँ, उसका नाम अब चेंज हो गया है। अब ये ट्रेन नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलती है। ये ट्रेन खुलती है हावड़ा से लेकर कालका के बीच। ये एक डेली ट्रेन है। मैं बताऊंगा इस ट्रेन की सारी जानकारी, इसके रूट, हॉल्ट और टिकट किराए के बारे में, तो बने रहेगा इस वीडियो में। अगर आपने इस ट्रेन में ट्रैवल किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्टेशन इसमें से कौन सा है। तो मिलता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रेल यात्रा से पहले एक बार हो जाए ट्रेन यात्रा। दोस्तों, 02311 नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल, ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और ईस्टर्न की देखरेख ईस्टर्न रेलवे जोन करती है। दोस्तों, इस ट्रेन का अभी हाल ही में नाम चेंज किया गया है। पहले इस ट्रेन का नाम कालका मेल के नाम से था, अब ये ट्रेन नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल बनके चलती है। 1712 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन अपने 29 घंटे 5 मिनट पूरा करती है। इसके हावड़ा से लेकर कालका तक तकरीबन 36 हॉल्ट आते हैं। 58 किलोमीटर पर आवर्स की एवरेज स्पीड रहती है। दोस्तों, एक डेली ट्रेन है और ये ट्रेन हावड़ा से डेली खुलती है कालका के लिए। मैं अगर किराए के बारे में बात करूँ तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी क्लास का किराया है हावड़ा से लेके कालका 4,520 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 2,625 रुपये, थर्ड एसी का 1,805 रुपये, स्लीपर का 680 रुपये, वही सेकेंड सिटिंग जनरल का किराया है 400 रुपये। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है तभी आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकेंगे। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा इस ट्रेन के टाइम टेबल, रूट, हॉल्ट के बारे में। ये ट्रेन हावड़ा से डेली खुलती है रात में 9:55 पर कालका के लिए। दोस्तों, अब ये नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल का दूसरा हॉल्ट है वर्धमान जंक्शन। रात में 11:03 पर वर्धमान पहुंचती है। 5 मिनट रुकने के बाद रात में 11:08 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुँचती है दुर्गापुर रात में 12:01 पर। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। दुर्गापुर से रात में 12:03 पर रवाना होती है कालका के लिए। अब नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल पहुँचती है दोस्तों चौथे स्टेशन आसनसोल जंक्शन। रात में 12:32 पर यहाँ पहुँचने का टाइमिंग है। 5 मिनट रुकने के पश्चात ये ट्रेन आसनसोल से 12:37 पर रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुँचती है धनबाद जंक्शन रात में 1:45 पर। धनबाद में भी इसका 5 मिनट का हॉल्ट है और ये ट्रेन यहाँ से रात में 1:50 पर रवाना होती है कालका के लिए। अब ये ट्रेन पहुँचती है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो में। टाइमिंग है 2:19 पहुँचने का। 5 मिनट रुकने के बाद 2:24 पर यहाँ से रवाना होती है। रात में पहुँचती है पारसनाथ रात में 2:39 पर। पारसनाथ में इसका 2 मिनट का हॉल्ट रखा गया है और रात में 2:41 पर यहाँ से रवाना होती है कालका के लिए। अब नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल पहुँचती है हजारीबाग रोड सुबह में 3 बजे। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 3:02 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है अपने 9वें स्टेशन कोडरमा जंक्शन। कोडरमा जंक्शन में इसका टाइमिंग है सुबह में 3:31 का। कोडरमा में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 3:33 पर यहाँ से रवाना होती है कालका के लिए। अब ये ट्रेन पहुँचती है गया जंक्शन। गया में टाइमिंग है इसका पहुँचने का सुबह में 5:05 पर। 5 मिनट रुकने के बाद सुबह में 5:10 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों, अब ये ट्रेन पहुँचती है अपने 11वें स्टेशन डेहरी ओन सोन सुबह में 6:07 पर। डेहरी ओन सोन में पहुँचने का टाइमिंग है 2 मिनट रुकने के बाद सुबह में 6:09 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है अपने 12वें स्टेशन सासाराम जंक्शन सुबह में 6:20 पर सासाराम पहुँचती है। 2 मिनट रुकने के बाद सुबह में 6:22 पर यहाँ से रवाना होती है कालका के लिए। अब नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का अगला हॉल्ट है भभुआ रोड सुबह में 6:53 पर। भभुआ रोड में यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 6:55 पर यहाँ से रवाना होती है कालका के लिए। दोस्तों, अभी ट्रेन का अगला हॉल्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उर्फ मुगल सराय सुबह में 8:05 पर यहाँ पहुँचने का टाइमिंग है और यहाँ पे इसका 10 मिनट का भी हॉल्ट है। सुबह में 8:15 पर DDU से रवाना होती है कालका के लिए।
मिर्ज़ापुर पहुंचती है सुबह में 9:08 पर, 2 मिनट रुकने के बाद सुबह में 9:10 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अभी ट्रेन पहुंचती है प्रयागराज जंक्शन उर्फ इलाहाबाद, सुबह में 10:40 पर प्रयागराज पहुंचती है, 10 मिनट रुकने के बाद सुबह में 10:50 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब ये पहुंचती है फतेहपुर, दोपहर में 12:10 पर, फतेहपुर में 2 मिनट का हॉल्ट है, दोपहर में 12:12 पर यहाँ से रवाना होती है कालका के लिए। अब ये कालका मेल पहुंचती है कानपुर सेंट्रल, दोपहर में 1:30 कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, 10 मिनट रुकने के बाद दोपहर में 1:40 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अभी ट्रेन का अगला हॉल्ट है फफूंद, दोपहर में 2:40 पर फफूंद पहुंचती है, 1 मिनट रुकने के बाद दोपहर में 2:41 पर फफूंद से रवाना होती है। दोस्तों अभी ट्रेन पहुँचती है 20वें स्टेशन इटावा जंक्शन, शाम को 3:28 पर इटावा पहुँचती है, इटावा में 5 मिनट का हॉल्ट है, शाम को 3:33 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है सिकोहाबाद जंक्शन, शाम को 4:10 पर, सिकोहाबाद में 2 मिनट का हॉल्ट रखा गया है, शाम को 4:12 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब ये पहुँचती है अपने 22वें स्टेशन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में टाइमिंग है शाम को 4:30 का, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, फिरोजाबाद में 2 मिनट रुकने के बाद शाम को 4:32 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुँचती है अपने 23वें स्टेशन टुंडला जंक्शन, टुंडला में टाइमिंग है 5:05 का, यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, शाम को 5:10 पर यहाँ से रवाना होती है कालका के लिए। दोस्तों कोविड स्पेशल के रूप में ये ट्रेन हाथरस जंक्शन को स्किप करती है, हाथरस जंक्शन पे ये ट्रेन नहीं रुकती है जब तक ये ट्रेन स्पेशल बन के चल रही है। अब ये पहुंचती है हाथरस के बाद अलीगढ़ जंक्शन, शाम को 6:05 पे अलीगढ़ पहुंचती है, 5 मिनट रुकने के बाद शाम को 6:10 पे यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुंचती है खुर्जा जंक्शन, शाम को 6:40 पर, खुर्जा जंक्शन में इसका 2 मिनट का हॉल्ट रखा गया है, 6:42 पर खुर्जा जंक्शन से रवाना होती है कालका के लिए। दोस्तों अभी ट्रेन पहुंचती है 26वें स्टेशन गाजियाबाद जंक्शन, जी हाँ गाजियाबाद में इसका टाइमिंग है शाम को 7:53 पहुंचने का, 2 मिनट रुकने के बाद शाम को 7:55 पर गाजियाबाद जंक्शन से रवाना होती है कालका के लिए। गाजियाबाद के बाद ये ट्रेन जाती है पुरानी दिल्ली जंक्शन, रात में 8:50 पहुंचती है, यहाँ पे इसका 20 मिनट का हॉल्ट है और रात में 9:10 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है अपने 28वें स्टेशन सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, जी हाँ स्टेशन कोड है SZM, सब्जी मंडी पहुँचती है रात में 9:24 पर, 2 मिनट रुकने के बाद रात में 9:26 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है सोनीपत जंक्शन, रात में 9:55 पर, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 9:57 पर यहाँ से रवाना होती है कालका के लिए। अब ये ट्रेन पहुँचती है गन्नौर, रात में 10:10 पर, गन्नौर में 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 10:12 पर गन्नौर से रवाना होती है। दोस्तों अब ये ट्रेन पहुँचती है अपने 31वें स्टेशन समालखा, समालखा में टाइमिंग है रात में 10:23 पहुँचने का, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 10:25 पर यहाँ से रवाना होती है। अब नेताजी सुभाष एक्सप्रेस पहुँचती है पानीपत जंक्शन, रात में 10:35 पर, सॉरी माफ़ करिएगा, रात में 10:38 पर, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 10:40 पर यहाँ से रवाना होती है। अभी पहुँचती है करनाल, रात में 11:04 पर, करनाल में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 11:06 पर करनाल से रवाना होती है कालका के लिए। अब ये पहुँचती है कुरुक्षेत्र जंक्शन, रात में 11:29 पर, यहाँ पे भी इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 11:31 पर कुरुक्षेत्र से रवाना होती है कालका के लिए। अब ये पहुँचती है अम्बाला कैंट जंक्शन, रात में 12:45 पर, अम्बाला छावनी में इसका 10 मिनट का हॉल्ट है, रात में 12:55 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल पहुँचती है चंडीगढ़ जंक्शन, रात में 1:35 पर, ध्यान दीजिएगा चंडीगढ़ में 50 मिनट का हॉल्ट है और रात्रि में 2:25 पर चंडीगढ़ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है चंडी मंदिर अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन, रात में 2:38 पर पहुँचती है, 2 मिनट रुकने के बाद रात में 2:40 पर यहाँ से रवाना होती है। अब नेताजी सुपरफास्ट स्पेशल पहुँचती है अपने डेस्टिनेशन कालका, कालका में सुबह पहुँचती है 3:00
तीसरे दिन अपने 1712 किलोमीटर की दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कालका स्टेशन से जाते हैं तो इस ट्रेन जब भी पहुंचती है ना कालका, इसके बाद ही आपको टॉय ट्रेन की सारी सेवाएं आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी कालका से, तो अगर आपको शिमला आगे ट्रैवल करना है तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, मैंने किसी स्टेशन का नाम गलत बोला है उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और किसी ट्रेन के ऊपर वीडियो बनाना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच।